हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर। तो दोस्तों, आज पूरा दिन दिल्ली में लाइट नहीं आया, पानी नहीं था और गर्मी से ना पूरा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक होगा। हालत खराब था और वैसे भी दिल्ली शहर है और चारों तरफ मकान है तो गर्मी तो लगेगा ही। गाँव तो नहीं है कि कहीं भी चले जाओ खुलेगा। तो अभी जाके लाइट आया दोस्तों। अभी टाइम ना 5:30 बज चुके हैं और दिल्ली में ना बूथ बाजार का मार्केट लगता है वहाँ पर सस्ता। तो 2-3 दिन बाद हम गांव जाने वाले हैं, तो वही सामान सब जा रहे हैं लाने के लिए और आप सभी को मैं दिखाती हूँ। वैसे बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत सारे भीड़ भी रहते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मतलब मोबाइल यानी फ़ोन चोरी करने का ना बहुत ज़्यादा डर होता है। तो जो भी सामान अगर लूँगी मैं तो रूम पे आके दिखा दूँगी और थोड़ा बहुत मार्केट भी दिखा देंगे। तो एंड तक, और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप सब अपनी बहन को सपोर्ट करो और वीडियो को शेयर करो। तो चलो बूथ बाजार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, 2 दिन बाद ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ और दोस्तों, आज मेरा दिल्ली में ना आखिरी दिन है और आज मैं अपने गांव जा रही हूँ, बस से जा रही हूँ और 4 बजे का बस है। तो अभी फ़िलहाल में मैं ना पार्क आ गई हूँ और गांव से आते समय आप सभी को मैं बताई नहीं थी कि मैं दिल्ली जा रही हूं, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को सूचना दे दिया जाए, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो और आप सभी के साथ में सब कुछ शेयर करना मेरा फ़र्ज है। और दोस्तों, ये रहा झोला और मैं ना सामान लेने जा रही हूं, कुछ सामान लेना है घर जाने के लिए। तो चलिए सामान लाते हैं। और थोड़ा बहुत सामान को ना पूरा पैक कर लिए हैं और थोड़ा बहुत बच गया है और धूप तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों। दोस्तों, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, अगर आप सभी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर ना लगभग दिल्ली 28 तारीख को हम आए थे तो आज 25-26 तारीख हो गया, महीना लगने में सिर्फ 3 दिन बचा है। और दोस्तों, $10 बना था मेरे चैनल पर और वो गूगल एडसन पिन के लिए हम अप्लाई भी कर दिए हैं तो पिन भी अभी तक नहीं आया। और दोस्तों, पता नहीं, यहाँ से तो मेरा चैनल डाउन चल ही रहा है, आप लोग तो खुद ही देख सकते हो। तो चैनल तो थोड़ा बहुत, लेकिन व्यूज़ तो 500-400 आ ही जाता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि डॉलर क्यों कम गया। $10 था, अभी के टाइम पर फ़िलहाल में $5 बचा है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि ऐसा क्यों हुआ है। और अगर आप सभी को कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई हूँ कि डॉलर भी कम हो गया और चैनल तो सही में डाउन हो ही गया है। तो व्यूज़ भी आता है, वॉच टाइम भी आता है, सब्सक्राइब भी आता है और ये डॉलर क्यों कम गया ये मुझे पता नहीं है। पता नहीं भगवान हमसे इतना परीक्षा क्यों लेते हैं, ये मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सच में दोस्तों, जो इंसान जिस चीज़ के लिए परेशान है ना, वो चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। अभी मेरे को ना बिल्कुल भी घर जाने का मन नहीं करता है क्योंकि मैं पैसे के लिए इतना ज़्यादा परेशान हूँ ना। मैं भी सोचती हूँ कि काम कर लूँ और मैं गाँव नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर यहाँ पर मैं रहूँगी तो मेरा YouTube चैनल पूरा डाउन हो जाएगा और काम करके मैं कितना कमा लूँगी। कभी मैं काम करी भी नहीं हूँ दिल्ली में, तो थोड़ा बहुत डर भी लगता है। और इसलिए हम YouTube पर मेहनत करते हैं ताकि YouTube से सपोर्ट मिल जाए, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं होता है। प्लीज़ आप ही लोग बता दो कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और कुछ नहीं समझ में आता। चलिए कोई बात नहीं,